उधर डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DZ की पहली खेप सोमवार को लॉन्च की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा को लॉन्च करेंगे। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने इस महीने के शुरू में कहा कि कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो अधिकारियों ने बताया कि डीआरडीओ के मुख्यालय में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों केंद्रीय मंत्री इस दवा की पहली खेप को लॉन्च करेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने मुंह से लेने वाली इस दवा को कोरोना मामलों में बेतहाशा विधि को देखते हुए आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी और इस दवा को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।